हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। सभी को हमारा यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा संचा मास्टर, जिसको लूम्स मास्टर कहते हैं, उनके ऊपर वीडियो मैंने बनाया हूं। सूरत में बहुत सारे कंपनी होते हैं और बहुत बड़े बड़े कंपनी होते हैं, और उस बड़े बड़े कंपनी बहुत सारे पावर लूम्स चलता है, और उसको बनाने के लिए एक मास्टर का ज़रूरत है। ये है अपना लूम्स मास्टर कान्हू भाई, इनके घर है उड़ीसा, और ये बहुत पुराना और बहुत अच्छे मास्टर है, क्योंकि कंपनी में जो लूम्स चलता है उसमें बहुत प्रोसेस होते हैं, बहुत चक्कर से घूमता है, बहुत प्रोसेस होने के बाद इसमें कपड़ा बनते हैं, और इसलिए एक संचा मास्टर होते हैं जो मशीन ख़राब होने से बनाते हैं। अभी देखिए, यह अपना लूम्स मास्टर कान्हू भाई, उनके घर है उड़ीसा, बहुत पुराना, बहुत अच्छे, बहुत दिलदार मास्टर है, और ये कंपनी में अभी वो काम कर रहे हैं। हर महीने में उनको पेमेंट मिलते 50,000, क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उसमें और भी ज़्यादा पेमेंट मिलते हैं, क्योंकि संचा मास्टर का ज़रूरत बहुत होते हैं, क्योंकि मशीन को बनाना पड़ता है, इनके बजट से कंपनी चलता है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लोर में जो कारीगर भाई लोग काम करते हैं सब इनके हाथ में होते हैं। जो कंपनी के मालिक होते हैं वो तो कंपनी बनाते हैं, मगर कारीगर कहाँ से आएगा, ये जो लूम्स चलाने वाला कारीगर कहाँ से आएगा, ये सबका जो ज़मींदारी होते हैं उसका रिस्क होता है ये मास्टर का ऊपर। वो कारीगर को बुलाना, कोई गांव जाता है तो फिर उसको गांव से बुलाना, और कोई गांव जाएगा उसका डेट में फिर दूसरे कारीगर को बैठाना, बहुत सारी रिस्क होता है ये मास्टर का ऊपर। सच बोले तो ये मास्टर के वजह से ये पावर लूम्स कंपनी चलता है। ऐसे बोले तो हर काम का ज़रूरत है, मगर ये लूम्स होते हैं ये सबसे लास्ट और कपड़ा प्रोडक्शन वाला काम होते हैं, और ये जो मास्टर अपना होते हैं ये 12 घंटा ड्यूटी करते हैं और कंपनी में अवेलेबल रहते हैं पूरा दिन भर। कोई भी कारीगर का कोई भी ज़रूरत हो तो आके ये बनाते हैं। अभी देखिए, ये मशीन में कुछ ख़राब था, कोई दिक्कत था, तो अभी उसको बना दिया, और जो कारीगर था वो अभी आके यहाँ काम करेगा। ख़राब हुआ था तो मास्टर को बुलाया था, और मास्टर अभी बना दिया है, और फिर कारीगर उसको चालू करेंगे। क्योंकि संचा मास्टर में क्या होते हैं, जिनको अच्छा काम मालूम है उनको हर कंपनी में उसको जगह मिलते हैं। अगर अच्छा काम जानते हो तो एक बात है कि अच्छा काम करने वाला के कदर हर जगह होते हैं। कोई भी काम सीखो तो अच्छे से सीखो, जैसे अपना ये कान्हू भाई वैसे मास्टर है, तो कंपनी वाला उनको छोड़ते नहीं कभी भी ओनर, क्योंकि ऐसा अच्छा काम करता है। उनको और ज़्यादा पगार देने वाला कंपनी बुलाते हैं, मगर ये जाते नहीं, क्योंकि ये कंपनी में वो बहुत दिन से अभी काम कर रहे हैं, 10-12 साल हो गया इस कंपनी में, जब से कंपनी शुरू हुआ तब से यहाँ काम कर रहे हैं, और मास्टर को हर काम मालूम है। लूम्स का कोई भी काम हो, जैसे डॉक्टर होते हैं आदमी को देखने के लिए, सिर्फ इसी प्रकार ये मास्टर का काम होते हैं पावर लूम्स को चलाने के लिए। मशीन का कुछ भी हो तो उनको सब मालूम होना चाहिए मास्टर को, जैसे कान्हू भाई को पूरा का पूरा लूम्स के बारे में मालूम हो, चाहे जाक्वार हो या प्लेन हो या डूबी लूम्स हो, कोई भी लूम्स हो। अभी देखिए, इस प्रकार मशीन को अभी बना दिया है, अब ये मशीन चालू होगा। आगे हम आपको दिखाएंगे पावर लूम्स के प्रोसेस। अभी तो हम दिखाए कि कान्हू भाई किस प्रकार मशीन बना दिया। अभी देखिए, अभी मशीन चालू होगा, फिर जो कारीगर भाई यहाँ काम करता था वो आके अपना काम यहाँ करेंगे। उस तरफ देखिए, एक भाई काम अभी कर रहे हैं। सूरत में जितना भी लूम्स कारीगर है, हर कारीगर 12 मशीन चलाते हैं, 10 या 12 मशीन चलाते हैं। चलो हम अभी देखते हैं, हम अभी देखेंगे पावर लूम्स के बारे में। अभी देखिए, एक मोटर है और यहाँ कनेक्शन आया है, पावर से देखो कनेक्शन हुआ है, और एक मोटर चलता है, उसमें बेल्ट 2 लगा गया है। देखिए, एक बेल्ट एक चक्कर का घुमाते हैं और ये पूरा मशीन को ही चलाते हैं। चलो हम देखते हैं। देखिए, एक जो पहले जो बेल्ट जिसको घुमाता है ये वाला चक्कर को, देखिए ये जो चक्कर है उसके साथ कनेक्ट है पूरा मशीन। ध्यान से देखिए, थोड़ा जानकारी जो मैंने दिखा आप लोगों को जानकारी दी। और नीचे भी एक चक्कर है, जो ऊपर का जो चक्कर है वो नीचे वाला को भी घुमाता है, और उसके साथ कनेक्ट है कुछ बेयरिंग। देखिए, जो चक्कर है उसके साथ कुछ कनेक्ट है जो कि पूरा मशीन को चलाते हैं। ध्यान से देखिए, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ
कि अपना उड़ीसा में बहुत सारे कंपनी बनता है ये वाला हाथ वाला। अभी देखिए अंदर भी जो बाहर का चक्कर कनेक्ट है भीतर का साथ, जो ऊपर घूमता है और एक नीचे घूमता है, दोनों कनेक्ट है और उसके साथ कनेक्ट है बहुत प्रकार के प्रोसेस चलता है देखिए। और जो नीचे वाला ये देखिए जो ऊपर धक्का मारता है एक लोहे को, वो शटल के साथ कनेक्ट है। जो शटल जाता है ना सिलाई होते हैं, थक 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 आवाज़ होते हैं उधर से इधर उधर से इधर, वो यहीं से कनेक्ट है देखिए। उसको यहाँ से मारते हैं और वहाँ से वोविन इधर से उधर होता है देखिए। अभी भीतर देखिए देखिए ये जो शटल है वो इसके साथ कनेक्ट है, ये लोहे देखिए। चलो मैं भीतर आपको दिखाता हूँ, ये जो घुमा रहा है ये चक्कर था, मैंने ऊपर वाला चक्कर दिखाया था उसके साथ ये वाला कनेक्ट है, और ये जो कनेक्ट है उसके साथ पूरा का पूरा दोनों साइड कनेक्ट है, उस तरफ भी उसी प्रकार का प्रोसेस चलता है। अभी देखिए अब ये शटल वाला देखिए नीचे दिख रहा है, ऊपर ऊपर हो रहा है, धक्का मार रहा है जो बॉबिन सिलाई होने वाला। एक साइड तो मैंने दिखाया, चलो हम दूसरे साइड में चलते हैं। देखिए वो साइड में चक्कर घूमता था, दो चक्कर था, ये देखिए इधर भी वही प्रोसेस चलता है क्योंकि उसके साथ कनेक्ट है, ये वाला चक्कर घूमता है उधर से इधर कनेक्ट है। अंदर देखिए उस तरफ जैसे चलता है सिर्फ इधर भी उसी तरह उसी प्रकार चलता है देखिए। यहाँ भी शटल है, यहाँ भी धक्का लगाता है, दोनों तरफ सेम सेम रहता है देखिए। ये होते हैं पावर लूम्स का प्रोसेस, एक मोटर से पूरा मशीन चलता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और पूरा का पूरा मशीन सिस्टम चलता है एक मोटर से। अभी देखिए उसी प्रकार से शटल यहाँ मारता है देखिए, जो बॉबिन सिलाई होते हैं इधर भी उसी प्रकार भी हो है। ये नीचे वाला जो चक्कर था उसी के साथ ये वाला कनेक्ट देखिए, ये नीचे वाला जो चक्कर मैंने दिखा था उस साइड से और ऊपर वाला के साथ ये वाला कनेक्ट है जो घूम रहा है चक्कर, दोनों चक्कर उधर से ये दोनों के साथ कनेक्ट है। इसी प्रकार पूरा का पूरा मशीन चलता है एक मोटर से और एक चक्कर दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं और दिन रात 24 घंटा काम होते हैं, साल भर कभी भी बंद नहीं रहता है। अगर पावर जाता है तो मशीन बंद रहते हैं, नहीं तो वॉबिन खाली होते हैं तो ऑटोमेटिक बंद रहते हैं, नहीं तो इसे कारीगर लोग तो इसे ड्यूटी करते रहते हैं साल भर, कभी भी मशीन बंद नहीं करते हैं देखिए। और ये जो पावर लूम्स होते हैं आजकल इस मशीन को बहुत सारे जगह से खरीद के अपने राज्य में डाल रहे हैं, जैसे कि उड़ीसा में और बिहार में, झारखंड में, यूपी में बहुत जगह होते हैं इस वाला मशीन को खरीद के लेके अपने राज्य में डाल रहे हैं और इसमें अच्छा प्रोडक्शन होते हैं इसलिए। मगर एक बात है, ये काम का जानकारी होना ज़रूरी है, जो लोग ये काम इधर करते हैं तो वही लोग उधर डालें तो अच्छे काम कर पाएंगे, बिना जाने इस मशीन को डालने से बहुत दिक्कत होते हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स कुछ लोग मेरे को फ़ोन करते हैं भाई, जो कि बोल रहे हैं कि भाई हमको एक मास्टर चाहिए मशीन बनाने के लिए और ख़राब होते बनाने के लिए। मैं बोलते हैं भाई जो इधर काम करते हैं वो आप उधर कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा मिलते हैं और यहाँ बहुत सारे मशीन को वो देखना पड़ता है। गाँव में कितना पेमेंट देंगे, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 देंगे, मगर यहाँ जो लूम्स के मास्टर होते हैं वो 50,000 कमा रहे हैं, कोई 60,000 कमा रहा है, क्योंकि ज़्यादा पैसा इधर मिलते हैं। अभी देखिए इस प्रकार बहुत सारे जगह से लोग आके काम करते हैं, लूम्स वाला, ट्यूब वाला, वोविन वाला, जितने भी लोग होते हैं बाहर से आते हैं सब अलग अलग काम करते हैं। अभी आप आज का वीडियो में तो मैंने आपको दिखाया ये लूम्स वाला मास्टर जो कानू भाई किस प्रकार लूम्स को बनाया जो ख़राब था, आगे अच्छा अच्छा वीडियो मैंने आपको दिखाऊंगा, मशीन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आज का वीडियो मैंने दिखाया मगर मशीन के बारे में जानकारी नहीं, कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मशीन को जो बनाया क्या क्या जो पार्ट्स में बनाया क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये जो काम है वो हमारा नहीं है, मेरा काम कुछ दूसरा है। मगर आज का वीडियो में तो मैंने कुछ दिखाया आपको, कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना आज का वीडियो कैसा लगा। रखता हूँ, बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।